तो बेलाईगढ़ मुख्यालय के ग्राम पंचायत देवड़ बोर्ड में गरीबों के चावल में डाका डालकर गबन करने का मामला सामने आया है, जहां शिकायत के बाद भी गबन करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की जा रही और ना ही राशन कार्ड धारी को उनका चावल दिलाया जा रहा है। इधर खाद्य अधिकारी मामले को टालते नजर आए। अब पूरी रिपोर्ट देखिए और पूरा खेल समझिए। छत्तीसगढ़ शासन की महती पीडीएस योजना को लेकर अधिकारी कर्मचारी नीरस दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ राज्य सरकार गरीब हितग्राहियों को प्रतिमाह राशन देने प्रतिबद्ध है, लेकिन शासन के निर्देशों का पालन विभाग करते दिखाई नहीं दे रहा है। हम बात कर रहे हैं बिलाईगढ़ मुख्यालय के ग्राम पंचायत देवर बोर्ड के ग्रामीण हितग्राहियों की। हितग्राही ग्रामीणों की माने तो शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन जागृति महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा था, जिसमें राशन कार्ड हितग्राहियों को समूह के ही व्यक्ति हरीश चंद्र द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जाता है, जिनके द्वारा सितंबर माह का चावल देने का हवाला देकर ईपीओएस मशीन में राशन कार्ड धारियों से फिंगरप्रिंट ले लिया गया और चावल नहीं दिया गया। साथ ही राशन कार्ड धारियों के राशन कार्ड में सामान देना है अंकित भी कर दिया गया। सबसे बड़ी बात और हैरान करने वाली बात यह है कि देवर बोर्ड के सरपंच के राशन कार्ड का भी चावल गबन कर दिया गया। कई बार ग्रामीणों द्वारा हरिश्चंद को चावल वितरण करने बोला गया, बावजूद हितग्राहियों को चावल वितरण नहीं किया गया, जिसके बाद सभी हितग्राही शिकायत करने एसडीएम कार्यालय पहुंचे और जांच करने की मांग की। ग्रामीणों की मांग पर एसडीएम ने टीम गठित कर 17 अक्टूबर को जांच करने देवर बोर्ड रवाना किया, जहां जांच में 295 क्विंटल चावल, 11 क्विंटल नमक, 10 क्विंटल शक्कर का अवैध गबन करना पाया गया, जिसके बाद आगे एसडीएम कार्यालय द्वारा 18 अक्टूबर को समूह के अध्यक्ष माहेश्वरी भारद्वाज को 2 दिन के भीतर अपनी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया गया। अब इस मामले में अधिकारियों को कार्रवाई करते महीनों बीत गए, परंतु देवर बोर्ड के राशन कार्ड धारियों को अब तक चावल दिलाने कोई पहल नहीं की गई और न ही गबन करने वाले व्यक्ति पर अब तक किसी प्रकार का कोई कार्यवाही किया गया। फिंगर हो चुके हैं, सितंबर के चावल नहीं दे भाई, ओकर वह हमन कार्रवाई करे रहे हैं एसडीएम कार्यालय में, तो अधिकारी मन आए रही से चेक करे और चेक करके गई से ओकर बाद ओकर ऊपर जो वितरण करे ओकर ऊपर अभी कुछ मतलब ये नहीं होए। अच्छा, कौन वितरण करत रहे, कौन गबन करे हवे? हरिचंद भारद्वाज। अच्छा, क्या किलो चावल मिलता है आपने? 35 किलो चावल हम लोग को नहीं मिला है सितंबर माह का, और हमारे यहाँ 2 राशन कार्ड है, दोनों का फिंगरप्रिंट करा ले गए हैं आधार से, और अभी तक चावल नहीं दिए गए हैं। अच्छा, कौन चावल नहीं दिया है? संचालन हरिचंद भारद्वाज से समझ है, वही चावल नहीं दिया अभी तक। अच्छा, इसके बारे में आप लोग शिकायत वगैरह किए हैं कहीं? शिकायत किए थे एसडीएम ऑफिस में। हाँ, उसके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? उसके द्वारा जाँच में आए थे अधिकारी लोग, और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, जाँच करके चले गए हैं और चावल नहीं मिले अभी तक। हम लोग तो शासन प्रशासन से गुहार लगा के थक गए, और हम यही चाहते हैं कि हम लोग को चावल मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो हम स्वयं जाकर थाना में एफआईआर दर्ज कराएंगे हरिचंद भारद्वाज के ऊपर। वहीं दूसरी ओर इस मामले में जब मीडिया की टीम एसडीएम कार्यालय पहुंची और एसडीएम केएल सोरी से जानकारी हासिल की, एसडीएम द्वारा मामले में अनभिज्ञ बन मीडिया को गोलमोल जवाब दिया गया और फूड इंस्पेक्टर का जवाबदारी बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद आगे एसडीएम कार्यालय के ही कर्मचारी के मोबाइल से फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर से मीडिया टीम को बात कराई गई। खाद्य अधिकारी द्वारा मीडिया को विभागीय प्रक्रिया द्वारा कार्रवाई करने का हवाला देकर मंगलवार तक आवंटन करने की बात कही गई, जो सीधे तौर पर गोलमोल ही लग रहा था। हाँ, तो मैं क्या है ना, मैं फाइल उसका ऑलरेडी जांच करके और नोटिस भी जारी हो गया है जी, जो चावल नहीं दिया है उसको। हाँ। ठीक है, और उसमें 10 लोगों ने बताया है मेरे को। हाँ। वहाँ पर जब मैं बयान पंचनामा लेने गया था कि हाँ हमको नहीं दिए हैं। हाँ। तो मैं नोटिस भी जारी हुआ है एसडीएम ऑफिस तरफ से। हाँ। और जो हरीश चंद्र बांट रहा था उसने बोला है मैं सोमवार या मंगलवार को दूंगा, जब मैं कॉल लगाया हूँ तो। हाँ। कैसे दे दूंगा करके बोला है, मैं जाँच कर चुका हूँ, उसमें सोमवार को अपन मिल के मैं आपको फाइल दिखा दूंगा। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस तरह का जवाब मिलना समझ से परे है। अब इन जमींदार अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए ग्रामीणों का प्रशासन से उम्मीद पूरी तरह से टूट गई है। अब सब हितग्राही मिलकर गबन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ थाने में जाकर एफआईआर करवाने की बात कह रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए बिलाईगढ़ से विजय सोनी की रिपोर्ट।